पौड़ी जिले के मंझगोट में एक आश्रम का निर्माण करवाया जा रहा है। यह आश्रम क्रांतिवीर चंद्रमोहन के द्वारा बनवाया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के लिए मजदूर मेरठ और मुजफ्फरनगर से लाए गए हैं। यहाँ पर आश्रम के सारे काम की देखरेख प्यारेलाल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है। अब इन्हीं लोगों पर गाँव के ही कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं। यहाँ पर रहने वाली राजमती एक हाथ और एक पांव से विकलांग है। उनकी 4 साल की बेटी भी है। राजमती ने रोते हुए अपनी आपबीती तहसीलदार रगड़ीघाट और यहाँ के लोगों को बताया। उनका कहना है कि क्रांति गुरु चंद्रमोहन के शिष्य कमल ने उनको धमकी दी है। राजमती क्या आरोप लगा रही है आप खुद ही सुनिए। मेरे लिए यहाँ पे बैठी थी मैं, मेरे को बोल रहे हैं कि अपने पापा को समझा और नहीं तो तेरे एक हाथ पैर और एक हाथ पैर कमजोर है और नहीं तो हम तेरा हाथ दूसरा हाथ पैर भी तोड़ देंगे, नहीं तो हम तेरे को उठा के ले जाएंगे, तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। किसने बोला ये सब? ये मुझे कमल भट्ट ने और बिमला देवी ने बोला। ये कमला भट्ट बिमला देवी किसके लिए काम करते हैं? ये चंद्रमोहन जी के लिए काम करते हैं, चंद्रमोहन महाराज जी के लिए। अच्छा, और ये लोग सब यहाँ पे हमारे घर के सामने लाउड स्पीकर लगा के रखते हैं और सुबह 7 बजे से लेके और रात को 9-10 बजे तक लगाते रहते हैं। हमें यहाँ पे बहुत परेशान है, हमें इससे कोई अगर सुविधा मिल सकती है तो काम करिए। आप सरकार से क्या करेंगे कि इनके साथ? हम ये चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए यहाँ पे। हाँ। जो भारी लोग हैं ये सारे यहाँ से जाने चाहिए। ठीक ठीक, जितने भी भारी लोग हैं हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे गांव में, पूरे गांव में सब शांति चाहिए। और सबसे ज्यादा परेशानी हमें, कल को हमारी मेरी बेटी को, ये मेरे को कुछ भी, ये मेरे भाई, ये बहन, ये माँ, ये पापा जी को अगर कुछ भी हो जाए तो मैं कमल भट्ट का नाम लूंगी, कमला देवी का नाम लूंगी, प्यारेलाल का नाम लूंगी और इनके साथ जो है गोविंद राम भी है जो कमल भट्ट के मामा है। हाँ। इन सबका नाम आएगा, इनके ऊपर होगी हमारी घर की जिम्मेदारी। अगर मेरी बेटी हो या भाई हो या बहन हो, ये मेरे घर से कोई भी मेम्बर हो, मेरे भाई मतलब भाई लोग सब बाहर रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, अगर इनसे भी कुछ भी हुआ, इन पे चोट फटा कुछ भी लगेगा, ये हमारे कुछ भी होगा तो हम इन्हीं का नाम लेंगे। संवाद 365 के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट।